पहले हमने जो एरिया देखा था ठीक है वो एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू देखा था, बड़ी सिंपल सी बात है। अब मैं ना कंपैरिजन करवाऊंगा ठीक है। देखो इट्स लाइक कि अगर ये मेरे पास कोई कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका x एक्सिस के साथ x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक अगर एरिया देखना होता था ये वाला एरिया, तो हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन ए टू बी आ जाना राइट एरिया विद द एक्स एक्सिस अगर अबव है बाय द वे ठीक है ना। अच्छा अब ये सोचो ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन, अब मान लो कर्व आ गया ऐसा कुछ राइट, अब हमें ये वाला एरिया चाहिए कौन सा एरिया, एरिया बाउंडेड बाय कर्व विथ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया चाहिए फ्रॉम y इज इक्वल टू ए से लेके y इक्वल टू बी तक ठीक है, ये एरिया चाहिए। अब ध्यान से देखो इसमें हो क्या रहा है, देखो हमारा एक कर्व क्या y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहां पर क्या कह रहे हो, तो यहां पे इसको मैं लिख के लिख सकता हूं y, तो y डॉट dx इंटीग्रेशन a टू b। अब इसको भी याद रखने का तरीका क्या है ठीक है, व्हाट इज y डॉट dx, y का मतलब क्या होता है हाइट, y क्या होता है आउटपुट हाइट राइट, और dx क्या होता है ये वाला छोटा सा स्ट्रिप, तो बेसिकली इसलिए मैंने बोला था ना कि ये स्ट्रिप का एरिया निकालते हैं, तो वर्टिकल स्ट्रिप्स का एरिया निकालते हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं बेस इनटू हाइट बेस इनटू हाइट बेस इनटू हाइट, उसके अकॉर्डिंग हम चलने की कोशिश कर रहे हैं राइट। वही चीज इधर इधर आएगा ये चीज, और ये क्या एक्ट करेगा ना, अब इसके अंदर ये चीज डीएक्स थी क्योंकि एक्स के एक्स वाले जो अपना डायमेंशन उसके अलोंग है, तो इसका क्या आएगा डीवाई, और ये क्या एक्ट करेगा एक्स, तो इसका ये रेक्टेंगल के एरिया क्या जाएगा एक्स डॉट डी वाई इंटीग्रेशन करेंगे बस बात खत्म है इसका, और कहां से कहां तक, अब इंटीग्रेशन वाई के विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है राइट, तो ए टू बी करेंगे वाई इक्वल टू ए टू बी, अब ये लिमिट जो लगेगी ये वाई की लगेगी, बड़ी सिंपल सी बात है ठीक है, तो एक्स डॉट डी वाई इंटीग्रेशन ए टू बी दैट विल गिव अस द आंसर राइट। बट यहां पे अब अगर हमें वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दे रखा है, अब यहां पे वाई यहां पे एफ ऑफ एक्स नहीं पुट करेंगे यहां पे, अब यहां से x निकालो राइट, दैट इज f इनवर्स ऑफ y करके, या फिर इसको मैनुपुलेट करके, मैं इनवर्स अभी वर्ड नहीं यूज करूंगा, मैं बोलूंगा कि इसको मैनुपुलेट करके x निकाल लो, तो लेट से x इक्वल टू आ गया तो हमारा g ऑफ y, वो x इक्वल टू g ऑफ y इधर पुट करना है, तो फाइनल एरिया क्या आएगा इंटीग्रेशन g ऑफ y dy a से b, ये हमें एरिया देगा विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, एग्जैक्टली सेम चीज है, कोई अलग चीज नहीं कर रहा है, इसलिए वो दोनों कंपेयर करवाए। ऑनलाइन क्लियर हुआ प्लीज कंफर्म करो, राइट राइट राइट। अब जैसे एग्जांपल देखो इसका ठीक है, लेट से हमारे पास लाइन है y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन ठीक है, एंड इसको अगर मैंने प्लॉट किया ठीक है, x को जीरो पुट किया y आ गया वन, x को वन पुट किया y आ गया थ्री ठीक है, याद तो लेट से इसका एरिया निकालना है विद वाई एक्सिस फ्रॉम वाई इक्वल टू लेट से टू टू फोर ठीक है, ये टू से लेके फोर, तो ये वाला जो एरिया है ये एरिया निकालना ठीक है, अपने को ये वाला एरिया निकालना, तो यहां पे आ गया वाई इक्वल टू टू एंड यहां पे आ गया वाई इक्वल टू फोर, अब क्या करेंगे इसका x निकालेंगे, इसका यहां से x निकालेंगे क्या आ जाएगा y माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, तो x क्या आ गया y माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, तो अब करना है x डॉट dy इंटीग्रेशन कहां से कहां तक वन से टू, तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू पुट की दैट इज y माइनस वन बाय टू dy इंटीग्रेशन वन से लेके सॉरी y इक्वल टू 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 फोर That's it. तो ये जो एरिया आएगा ये हमारा ये वाला शेड्यूल एरिया है। हाँ जी ऑनलाइन क्लियर हुआ
राइट। सॉरी कोई डाउट पूछ रहा है? ओके नोट करो, नोट करो, शाबाश। अब मैं एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालूंगा या एरिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस निकालूंगा, राइट, ये सब टू सब कुछ क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा डायग्राम कि कौन सा एरिया ज्यादा इजी होगा मेरे लिए निकालना। ठीक है, उससे पहले जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हमने देखा था अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ऐसे वो वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, ठीक है, वो चीज देखना। ठीक है, हाँ जी, ऑनलाइन कर लिया नोट? अरमान, करण, नितेश, हर्षलिन, भरत, कर लिया नोट? पवन, मोहन, कर लिया, अभिनव, अर्पित, अर्शिया, ठीक ठीक। चलो देखो जरा, अब एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू हमने क्या देखा था, अपर कर्व एंड लोअर कर्व, ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ए से लेके बी तक, राइट, क्या आता था, एफ माइनस जी अपर माइनस लोअर dx इंटीग्रेशन ए टू बी। अब देखो यहां पर अपर और लोअर कौन बताता था, किसका y ज्यादा है किसका y कम है, राइट। अब यहां पर x एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू तो पता चल गया, y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू कैसे पता चलेगा, या लेट से दिस इज अगेन, अब x के अकॉर्डिंगली लेके जाऊंगा, तो x इज इक्वल टू लेट से f ऑफ y एंड x इज इक्वल टू g ऑफ y, अज्यूम करो ये। अब यहां पर जिसका y ज्यादा होता था वो अपर होता था, ऐसे इसके अंदर जिसका x ज्यादा होगा वो अपर होगा। अब x ज्यादा का मतलब क्या होता है, राइट साइड, x कम का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड, तो बेसिकली इसके अंदर राइट वाली कर्व माइनस लेफ्ट वाली कर्व करेंगे। ठीक है प्रणव, सीधा हाथ नीचे, हाथ नीचे, तो ए टू बी, तो ये एरिया है ना, तो क्या आएगा इसके अंदर, राइट वाली कर्व, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, ठीक है ना, डी वाई इंटीग्रेशन ए टू बी, ये हमें दे गया, देगा एरिया बिटवीन टू कर्व। ठीक है, ये नोट करो, फिर इसका एग्जांपल देता हूं। हाँ जी चले, मैं एग्जांपल देता हूं, उसमें बताता हूं, जैसे इस केस में तो बिल्कुल भी नहीं मिला, निकाल सकते ऐसी बात नहीं, बहुत गंदा है, क्योंकि हमें
जो अपर और लोअर कर्व देखनी है यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखनी है, और यहीं पर अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई देखनी है तो राइट माइनस लोअर देखनी, राइट माइनस लेफ्ट देखनी है ना। तो वो चीज यहाँ पे देखो जरा, जज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मानो हल्का सा कर्व ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, अज्यूम करो ऐसा है, तो अब कैसे देखोगे यार? यहाँ पे हमें ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, तो इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए अपर और लोअर कर्व क्या होगा? पहले तो ये समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा सीरियसली, ठीक है ना। यहां पे क्या होगी ये वाले पार्ट के लिए, ये समझना मुश्किल हो जाएगा, तो नहीं, ठीक है ना, मत करो यहाँ पे इस चीजों में फर्क मत करो। इसलिए मैंने बोला कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि हम इजी वे कौन सा लगाएंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई। वो क्वेश्चन में कभी मेंशन नहीं करेगा कि इसी के विद रिस्पेक्ट टू कर लो, राइट। ये हमारे ऊपर है कि जो चीज इजी पड़ेगी उसके थ्रू हम करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई दोनों कर सकते हैं, लेकिन कौन सा इजी पड़ेगा कौन सा मुश्किल पड़ेगा, राइट, वो चीज चेक करते हैं। तो पहले मैंने प्लॉट किया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये चला गया, ये यहां पे y इक्वल टू, चलो यहां पे और सिंपल करने के लिए y इक्वल टू x, ठीक है, तो y इक्वल टू x जाएगी स्ट्रेट लाइन ऐसे, ठीक है। अब यही वाला क्वेश्चन देखो जरा, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x देखू, ठीक, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व बहुत इजीली होगी, बात समझ रहे हो। अपर कर्व क्या आ गया, पैराबोला, यहां से पैराबोला का क्या आ रहा है, y इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है, और लोअर क्या आ गया, y इक्वल टू एक्स। अब दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करा के ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो वो क्या आ रहा है, दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करा के y की वैल्यू जो x है इधर पुट कर दी, तो x इक्वल टू एक्स के आ जाएगा, ठीक है, ये y इक्वल टू जो x है ये इधर पुट किया तो y की जगह x रखा तो x इक्वल टू एक्स के आ जाएगा, राइट। इसको इधर लेके आए तो x माइनस एक्स के इक्वल टू जीरो, x कॉमन लिया 1 माइनस x इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू 0 कॉमा 1, तो ये 0 और ये 1, तो ये x इक्वल टू 1 आ गया। तो इसका एरिया क्या जाएगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx इंटीग्रेशन 0 टू 1, राइट। तो ये x की पावर 1 बाय 2 का x की पावर 1 बाय 2 प्लस 1 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड 2 ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 0 टू 1, तो 1 पुट करके क्या बना 2 बाय 3 माइनस 1 बाय 2 माइनस 0 पुट करके 0, तो दैट वुड बी योर 1 बाय 6, ठीक है, यूनिट स्केल ऑब्वियसली। आई होप क्लियर हुआ। अब यही एरिया में विद रिस्पेक्ट टू अगर वाई निकालता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, अच्छा ये क्या आया था, एक्स इक्वल टू वन, एंड इसी का वाई क्या आएगा, क्योंकि ये पॉइंट एक्स इक्वल टू वाई लाइन के ऊपर लाई करता है, तो जो एक्स है वही वाई है, ठीक है, तो वाई इक्वल टू भी क्या है, वन। अब अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस देखता हूं इधर से, तो ये अपर कर्व व्यक्त करेगा, दैट इज एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि अब एक्स की फॉर्म में चाहिए, तो एक्स इक्वल टू वाई, और दूसरे का एक्स क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर, तो ये एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब अपर कर्व क्या जाएगा, वाई, अपर कर्व ये, लोअर कर्व वाई स्क्वायर डीएक्स, सॉरी अपना डीवाई इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, वाई की वैल्यू 0 से लेके 1 तक। सरप्राइजिंगली इसका आंसर और इसका आंसर सेम ही आना चाहिए, है ना, क्योंकि कर तो एरिया तो वही निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, y square by 2 minus y cube by 0 to 1, 1 put किया तो क्या आ गया, 1 by 2 minus 1 by 3 minus 0 put करके 0, तो क्या आ रहा है, 1 by 6 unit square। तो yes, चाहे x axis के with respect to निकालो चाहे y। अब ये वो क्वेश्चन था फर्स्ट जो एग्जांपल दिया मैंने, ये वो क्वेश्चन था जो x के विद रिस्पेक्ट टू और y के विद रिस्पेक्ट टू दोनों निकल सकता है और इजीली निकल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट, चाहे तुम x का निकालो चाहे तुम y का निकालो, बट x वाले क्वेश्चन के अंदर ही y कैसे इंट्रोड्यूस करना था, उसके थ्रू कैसे करना था, वो होगा।
अब इसके बाद एग्जांपल देता हूं जिसके अंदर थोड़ी मुश्किल आएगी, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू वाई इजी हो जाएगा। अब पहले ये नोट करो, शाबाश करो करो करो। ध्यान से प्लीज, ठीक है। देखो अगले एग्जांपल देखो जरा। वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स एंड एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू फोर, बिल्कुल ठीक है। अब इनको प्लॉट करते हैं, ठीक। देखो y स्क्वायर इक्वल टू 2x तो इधर ही जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर x को जीरो पुट किया, y आ गया माइनस फोर, y को जीरो पुट किया, x आ गया फोर। ठीक है, तो एरिया बाउंडेड क्लियरली ये आ रहा है। अब यार इसके अंदर एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू क्या रिस्क है पहले वो समझ लो, और अगर मेरे को एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। तो एक्स एक्सिस के अंदर हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन लगाते हैं, उसके अंदर का अपर एंड माइनस लोअर करते हैं, है ना। वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, मतलब बाउंड्री होनी चाहिए बेसिकली, या तो वो कर्व जहां पे टकरा रही है, मतलब इट्स लाइक या तो ऐसा हो अपर एंड लोअर, तो यहां से शुरू होनी चाहिए जहां पे कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अदरवाइज अगर नहीं है तो अगर मान लो मेरे को यहां से स्टार्ट करना है तो ये एक वर्टिकल लाइन होनी चाहिए जो कि बाउंड्री डिफाइन करेगा, और ये वर्टिकल लाइन का मतलब एक्स एक्सिस। आ जाओ, ठीक है। तो अब ठीक है ना, बाउंड्री जो डिफाइन होती है वहां से हमारा एरिया स्टार्ट होता है, वो या तो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है या फिर वर्टिकल लाइन जो कि एक लेफ्ट साइड की बाउंड्री एक्ट करती है, ठीक है। सिमिलरली राइट हैंड साइड वाला स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अब यहां पर देखो जरा क्या चीज हो रही है, तो इस डायग्राम में इट्स लाइक दिस, ये ऐसा है ना। अब यहां पे x एक्सिस है, ठीक, यहां पर y एक्सिस, तो इस तरीके से ये डायग्राम जा रहा है और ये वाला एरिया अंदर वाला निकाल। अब ध्यान से देखो जरा कि ये पूरे एरिया के लिए मान लो ये आ रहा है a एंड b एंड दिस इज जीरो, राइट। अब ये पूरा एरिया का एक साथ निकाल सकता हूं, नहीं, x एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं पूरे एरिया जीरो टू बी की बात करूं तो जीरो टू बी के अंदर अपर कर्व तो सही है, राइट, बट लोअर कर्व यहां पर चेंज हो रही है और यहां पर चेंज हो रही है, हाँ है ना। तो मेरे को एक्चुअली में जीरो टू ए एरिया अलग करना पड़ेगा, राइट, एंड ए टू बी एरिया अलग करना पड़ेगा। आई होप क्लियर हुआ, राइट। अब जीरो टू ए के बीच में अपर कर्व आएगा ये वाला पैराबोला,
और ड्यू टू सिमेट्री मैं ऊपर वाले का ट्वाइस कर सकता हूं, हाँ या ना, ऊपर वाला नीचे वाला सेम रहेगा, या फिर अपर पैराबोला माइनस लोअर पैराबोला है, ऊपर वाले के अंदर पॉजिटिव आएगा, नीचे वाले के अंदर नेगेटिव आएगा डेफिनेशन के अंदर, है ना। यहां से अगर मैं वाई निकालूंगा तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस माइनस, तो प्लस वाला क्या रहेगा ऊपर वाला, माइनस क्या रहेगा नीचे वाला, तो अपर माइनस लोअर करके भी मैं कर सकता हूं, या फिर ड्यू टू सिमेट्री में ऊपर वाला निकालूंगा उसका ट्वाइस कर लूंगा, लेकिन ये सिर्फ इस वाले पार्ट का, जीरो टू ए का, और ए टू बी के अंदर क्या जाएगा, अपर यानी कि पैराबोला वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x एंड लोअर कर्व, यहां से वाई निकालूंगा तो दैट वुड बी y इक्वल टू एक्स माइनस 4, तो इस तरीके से जाके एरिया निकलेगा। आई होप क्लियर हुआ, गंदा हो गया ये, सिंपल नहीं गया बाय द वे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू देख रहा हूं तो, हाँ जी हाँ जी, फिर एक बार पॉइंट रिपीट करोगे अपने क्या पास सिमेट्री के साथ, सिमेट्री के साथ भाई सिर्फ ये वाला एरिया देखो, ठीक है अपना ना, ये जो टिप ऑफ द पैराबोला, ठीक है ना, इट्स लाइक दिस, ये वाला एरिया है ना, ए तक की मैं बात करूं जहां पर वो स्टेटन शुरू होते हैं उस पॉइंट तक, इससे पहले पहले, तो ये वाला एरिया ड्यू टू सिमेट्री जितना ऊपर है उतना नीचे है ना। यस सर, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ऊपर वाला निकालो उसका ट्वाइस कर दो तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो सर इस कंडीशन में हमें तीन एरियाज निकालने पड़ेंगे, सॉरी ये जो क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस में तीन एरियाज निकालने पड़ेंगे। हाँ नहीं, दो निकालने पड़ेंगे, इसका निकालो उसका ट्वाइस कर दो तो ये टोटल एरिया आ गया, फिर ये इसके लिए ट्राइंगल भी है ना नीचे, हाँ ट्राइंगल, नहीं 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 नीचे वाला ट्राइंगल अलग से नहीं निकालना ना, इसका तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करेंगे ना, ये वाला एरिया डायरेक्ट आ जाएगा सारा का सारा, फर्क नहीं पड़ता ना एक्स एक्सिस के ऊपर है नीचे है, अपर माइनस लोअर करेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, अपर रूट टू एक्स माइनस लोअर एक्स माइनस फोर डीएक्स इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक, और ए बी दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मिलेगा। पवन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, बट यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व करो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ठीक है, मान लो इन दोनों को सॉल्व करके मेरे को इस पॉइंट का वाई मिल गया, वाई इक्वल टू ए, एंड ये वाई मिल गया दैट इज वाई इक्वल टू बी। तो अब इस दोनों वाई के अंदर चेक करो, अपर का मेरा स्ट्रेट लाइन है, लोअर का मेरा तो चेंज नहीं हो रहा, तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा। ऑनलाइन ये समझ आ रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस इन दोनों के अंदर ये अपर कर्व व्यक्त करेगा और ये लोअर कर्व व्यक्त करेगा, तो मेरा अपर लोअर कर्व चेंज नहीं हो रहा, तो इसके अंदर ध्यान से देखो, पहले तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वाई निकालना है, ठीक है, इसका वाई और इसका वाई, तो वाई निकालना तो एक्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो मैंने इधर से एक्स निकाला तो एक्स क्या आ गया, फोर प्लस वाई, ये एक्स को मैंने इधर पुट कर दिया तो क्या बन गया मेरा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोर प्लस वाई, तो y स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस एट दैट इज इक्वल टू जीरो, तो y माइनस फोर इंटू वाई प्लस टू दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, फोर या फिर माइनस टू, तो दिस इज y इक्वल टू माइनस टू एंड दिस इज y इज इक्वल टू फोर। अब इन दोनों के बीच में अपर कर्व क्या एक्ट करेगा मेरा, ये वाला लाइन का x, राइट, x इक्वल टू एवरीथिंग करना होता है, तो यहां से x इक्वल टू करके क्या आया, फोर प्लस y, इसका यहां से x, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय टू, तो अपर माइनस लोअर दैट इज फोर प्लस y माइनस वाई स्क्वायर बाय टू dy इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, y की वैल्यू माइनस टू से लेके y की वैल्यू फोर। देखो बहुत सिंपली बहुत प्यारा आंसर आ गया, इरेशनलिटी भी नहीं जा रही यार इसमें, ये सोचो आंसर उधर से भी वही आएगा, बट कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है हमने कि x एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स बन रहा है या y, जो इजी पढ़ रहा है वो करो। हाँ मतलब ज्यादा चेंज ना करें, हो सकता है x एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू देखो तो तीन बार चेंज कर रहा है, और y के देखो या एक बार कर रहा है तो वो प्रेफर करो, जिसमें कम कॉम्प्लेक्सिटी हो, अगेन जिसमें कम कॉम्प्लेक्सिटी हो वो वाला काम, बात खत्म। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? यस सर। यस सर। यस सर। पवन? यस सर। राइट, ये नोट करो, आ जाओ 20.3 के डाउट्स 11th, फाइंड द एरिया बिटवीन द दिस टू सर्कल्स, ओके ओके।
देखो सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एंड एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, तो ये बेसिकली रेडियस टू चला गया, ठीक है, टू का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये क्या जाएगा, जिसका सेंटर क्या है ओरिजिन एंड रेडियस क्या है टू, ठीक है। अच्छा दिस पॉइंट इज योर 2,0, ये 4,0 उतने ही आगे गया। अब ये सर्कल कौन सा है भाई, जिसका सेंटर क्या है पता है नहीं, 2,0 राइट, ये सेंटर है और रेडियस 2 है, यानी कि इधर से 2 आओ इधर से 2 आगे जाओ तो ये ओरिजिन से पास करेगा यहां से, तो ये ऐसा आ जाएगा ये। अब इनके बीच का एरिया पूछ रहा है, ये वाला एरिया पूछ रहा है। अब ड्यू टू सिमेट्री जो ऊपर है वही नीचे है, तो ऊपर वाले का निकाल के ट्वाइस करेंगे। अब दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके ये निकालेंगे। अब दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, दिस माइनस दिस कर दे, दिस माइनस दिस कर दे। जैसे दिस माइनस दिस किया तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर फोर माइनस फोर। तो ये भी कटा तो ये बचा, तो देख एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर दैट इज इक्वल टू जीरो, ये ओपन किया तो ये प्लस ये माइनस तो ये घटा, तो फोर एक्स इज इक्वल टू फोर तो एक्स इज इक्वल टू वन, तो यानी कि दिस इज एक्स इज इक्वल टू वन, सिमेट्री है वैसे भी देखो, ठीक है। अब देखो ये वाला एरिया, अब ये वाला एरिया के लिए अपर कर्व जो आएगा ये दूसरा वाला सर्कल आएगा जिसका सेंटर क्या 2,0, यानी कि इसका वाई निकालेंगे, तो इसका वाई क्या आ जाएगा, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू टू का स्क्वायर माइनस x माइनस टू का स्क्वायर अंडर द रूट और पॉजिटिव वाला, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक, जीरो से लेके वन dx। अब अगर कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ठीक है, मेरे को मालूम है यहां पर चार पार्ट बनेंगे, एक दो तीन चार, और चारों का एरिया सेम है, तो इसी का फोर टाइम्स कर दो वो भी सही आंसर है। लेकिन अगर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से करना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्टिव आया राइट, तो मेरे को अपर वाला दोनों निकालने पड़ेंगे, फिर उसका ट्वाइस कर सकता हूँ, एक्स एक्सिस की सिमेट्री मान सकता हूँ, बट ये मेरे को प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, मतलब प्रूफ कर नहीं पाऊंगा कि ये इस प्लेन के अबाउट भी सिमेट्रिक है। कॉम्पिटेटिव में तो मेरे को मालूम है दो सर्कल है रेडियस सेम है, तो ऑब्वियसली जो इंटरसेक्ट करते हैं वो जो कॉमन कोड आती है उनके अबाउट सिमेट्रिक ही होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर अब दूसरा वाला एरिया क्या जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन वन टू टू वन टू टू। अब ये पहले वाला सर्कल आ जाएगा राइट, ये वाला कौन सा सर्कल है जिसका सेंटर 0,0, यहां से वाई निकालेंगे तो आ जाएगा टू स्केयर माइनस एक्स स्केयर अंडर द रूट, तो दैट इज टू स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट डीएक्स। ये तो ये जो एरिया आएगा इसका ट्वाइस करोगे तो जाके फाइनल एरिया आएगा अपर लोअर, समझे। ऑनलाइन क्लियर है, सॉरी हाँ हाँ, विद रिस्पेक्ट टू वाई तो डायरेक्ट कर सकते हो तुम, अपर माइनस लोअर एक ही बार के अंदर, इसका वाई से लेके इस वाई डायरेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल एक ही बार में हो जाएगा। हाँ एक्चुअली में इसके अंदर तीनों जा सकते हैं, बिल्कुल ये वाला एरिया भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये अब इनइक्वालिटी पे डिपेंड करता है तुम्हारा सारा कुछ। हाँ तो ये मतलब फिर कोई भी निकाल सकते हो, चलेगा छोटा वाला निकालने की कोशिश, इजी निकालने की कोशिश, ऐसा होगा नहीं कभी, प्रॉपरली मेंशन होता है। हाँ जी सर, आपने कहा कि अगर हमें कॉम्पिटेटिव लेवल पे इसका एरिया निकाला हम फोर टाइम्स करते हैं, बट ये दोनों एरियाज के इक्वेशन डिफरेंट है ना, सेम थोड़ा बिकॉज़ इनका सेंटर भाई एक बात बता पवन, तेरा डाउट जेन्युइन है, ठीक है, डाउट एकदम सही है, ठीक है, कैसे पता कि ये चारों एरिया बराबर होंगे। अच्छा पवन ये चीज समझता है कि एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू ऊपर वाला नीचे वाला ये तो सिमेट्रिक होगा क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है, सर्कल को ऊपर नीचे इक्वली डिवाइड करेगा। यस सर राइट। अब ध्यान से देखिए ये चीज, अगर तो भाई सर्कल होते हैं ना अनइक्वल, एक बड़ा एक छोटा, तो इनका ये जो कॉमन कोड होता है ये इनको अलग अलग डिवाइड करेगा, मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम नहीं रहेगा, बात समझा। ओके सर। लेकिन अगर दोनों सर्कल इक्वल रेडियस के हैं, सॉरी ये बनाने की जरूरत है, अपने को ज्योमेट्री लेना है, अगर दोनों सर्कल इक्वल रेडियस के हैं तो ये वाला जो अब लाइन होता है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम बनाता है irrespective of equation, मतलब equation जो मर्जी हो इधर सेंटर जो मर्जी हो, फर्क ये तो सेंटर डिफाइन करता है ना यार,
ये तो सेंटर डिफाइन करता है, ये रेडियस डिफाइन करता है, तो रेडियस बराबर है दोनों, सेंटर जो मर्जी हो जहां मर्जी हो फर्क नहीं पड़ता, वो कॉमन कोड की सिमेट्री मेंटेन करेगा करेगा, ये पॉइंट है, ठीक है। और बोलो, हाँ एक, इसको इधर लेके जाए तो ओपन करेंगे एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, नहीं ले सकते हैं, एक्चुअली ले सकते हैं लेकिन विद प्लस माइनस दो, एक्चुअली में प्लस प्लस और माइनस माइनस वो तो सेम है ना, दोनों का नेगेटिव करके तो प्लस प्लस ही हो जाएगा ना यार, और इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस, दैट्स वन ऑफ द सेम थिंग अगेन माइनस फोर, तो एक ही केस मतलब दो ही केसेस आएंगे प्लस माइनस, अब प्लस वाले के केस में तेरा नॉट डिफाइन चला जाएगा, मतलब जीरो इक्वल टू माइनस फोर, दूसरे वाले के केस में एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा, ठीक है ना, बट स्टिल मैं बोलूंगा वो भी मत कर, ठीक है ना। और बोलो डाउट, शाबाश, ट्वेंटी थ्री में ओके ओके देखो रैंडम पॉइंट्स पिक कर रहा हूं, लेट्स से 1.2 4.7 एंड 6.3, तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा पुराना सिजॉल ऐसे वो नींद आएगी, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो अपना ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है बट यूजिंग इंटीग्रेशन, ये बोर्ड का परफेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये मतलब सब्जेक्टिव में आया तो तुम्हें इंटीग्रेशन से करना, ऑब्जेक्टिव में आया तो फिर तो इजी है यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला आपके पास, ठीक है ना। तो ये करने के लिए हमने क्या किया, इनको ज्वाइन किया। अब ध्यान से देखो, मान लो ये y इक्वल टू लाइन वन, ये y इक्वल टू लाइन टू, ये y इक्वल टू लाइन थ्री है। y इक्वल टू लाइन वन का मतलब कुछ एक्सप्रेशन रहेगा x के अंदर, इसका x के अंदर और लीनियर रहेगा, स्ट्रेट लाइन है ना। अब ध्यान से देखो, ये x की बात करें, अगर ये x की बात करें एंड ये x की बात करें, तो 1 से लेके 4 के बीच बीच में अपर का वेज L1, लोअर का वेज L3, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, L1 माइनस L3 dx इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 1 से लेके 4 तक, प्लस फिर 4 से लेके 6 तक, ठीक है, क्या आ जाएगा, L2 माइनस L3 dx, डन। अब द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज, जो हमें स्टिल फाइंड करनी है, दैट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। पर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे मिलेगा, दो पॉइंट को ज्वाइन करके पहले स्लोप निकालेंगे, तो इसका m1 क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 7 माइनस 2 5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 1 3, ये स्लोप आ गया। अब ये पॉइंट यूज करो, ये करो, तो y माइनस, लेट्स से ये y माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू स्लोप, तो 5/3, यहां से y निकाल लो, राइट। तो y क्या आ जाएगा, x माइनस 1 उधर गया, तो 5/3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2, तो ये इक्वेशन आ गए, ऐसे बाकी दोनों, ठीक है, इसके अंदर पुट करो, वी आर डन, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है, मान लो उसने अब पॉइंट्स नहीं दे रखे, लाइन दे दी, ये लाइन वन, ठीक है, वाई इक्वल टू लेट्स से ए एक्स प्लस बी ए वन, ये सेकेंड लाइन इज ये वाई इक्वल टू ए टू एक्स प्लस बी टू, एंड थर्ड लाइन इज ये वाई इक्वल टू ए थ्री एक्स प्लस B3। अब देखो, अगर हमें पॉइंट्स दे रखे थे तो हमने लाइन की इक्वेशन निकाली, फिर अपर माइनस लोअर किया, ए पॉइंट से लेके बी, बी से लेके सी, है ना। लेकिन अगर जब लाइन दे रखी है तो भैया यहां से ये तो हमें पता चल गया कि इन दोनों के बीच में अपर रहेगा ये वाला, लोअर रहेगा ये वाला, इन दोनों के बीच में, राइट, इन दोनों के बीच में अपर रहेगा ये वाला, लोअर रहेगा ये वाला, लेकिन कहां से लेके कहां तक, वो ढूंढने के लिए इस पॉइंट का एक्स चाहिए, यानी कि लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कराना पड़े। तो जब पॉइंट्स दे रखे हैं तो लाइन बनाना जरूरी है, और जब लाइन दे रखे हैं तो लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट निकालना जरूरी, ताकि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जाना है इंटीग्रेशन के लिए वो हमें पता चले। क्लियर हुआ, राइट। चलो और बताओ, शाबाश।
ओके देखो 34 Using integration, find the area of the region. X minus 1 का mod is less than equal to y less than equal to root of 5 minus x square. तो अगर मैं इसकी बात करूं तो y is equal to x minus 1 का mod, तो ये क्या जाएगा 1 पे V-shape बन जाएगा और ये क्या जाएगा ठीक है. अच्छा बाय द वे इसका ये लेस देन इक्वल टू है ना y इज सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड. तो ओरिजिन देखा हमने कर्व के या तो ऊपर वाला एरिया आएगा या तो बाहर वाला नीचे वाला. अब ओरिजिन पुट करके देखा तो जीरो नहीं होता राइट. तो यानी कि जहां पर ओरिजिन आ रहा है ये वाला एरिया नहीं है ये वाला एरिया ठीक है. अब ये चीज तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस x के स्केयरिंग कर दी y square equal to 5 minus x square, इसको इधर ले आए तो y square plus x square equal to root 5 का square, 5 को लिखा root 5 का square. तो ये तो सर्कल बन गया जिसका ओरिजिन क्या है सेंटर, सेंटर ओरिजिन रेडियस root 5. तो भाई और ये 1 है तो root 5 आ जाएगा 2.3 समथिंग यहाँ पे, तो ऐसा जाएगा सर्कल राइट. अच्छा अब देखो ओरिजिन इसमें भी पुट कराया सर्कल के अंदर तो 0 less than equal to root 5, ये तो बिल्कुल वैलिड है ना, ये तो बिल्कुल वैलिड है. तो बिल्कुल वैलिड है मतलब सर्कल के अंदर वाला इसका ऊपर वाला तो ये एरिया का राइट. अब इसका देखो ये पॉइंट पता है, अब ये इसको पॉइंट को निकालना है एंड ये पॉइंट निकालना है. लेट से ए आया ये बी आया तो ये 1 तो हमें पता है तो ए टू 1 अपर का भी सर्कल, सर्कल का मतलब 5 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट और 5 को एक्चुअली में कैसे लिखेंगे रूट 5 का स्केयर माइनस एक्स स्केयर ठीक है. ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाला लगेगा फिर माइनस ये वाली लाइन. अब देखो ध्यान से हमें मालूम है कि ये जो मोड ओपन करना पड़ेगा ना कि एक्स माइनस 1 का मोड क्या हो जाता है एक्स माइनस 1 वेयर एवर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड 1 माइनस एक्स वेयर एवर एक्स इज लेस देन 1. तो ये तो लेस देन 1 है तो ये बन जाएगा वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स और ये बन जाएगा वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1. तो दिस सर्कल माइनस ये वाला दैट इज 1 माइनस एक्स dx इंटीग्रेशन कहां से कहां तक a से लेके 1 तक राइट प्लस अगेन सेम सर्कल राइट सेम चीज दैट इज रूट 5 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस लोअर कर्व दैट इज दिस स्ट्रेट लाइन x माइनस 1 dx इंटीग्रेशन कहां से कहां तक 1 से लेके b तक. अब a एंड b निकालना मोटे को तो a एंड b के लिए ये वाली लाइन को इस सर्कल के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व कर हो जाएगा ठीक है. ऑनलाइन क्लियर हुआ प्लीज कंफर्म करो. ऑनलाइन क्लियर है? यस सर क्लियर. यस सर ठीक ठीक और बोलो शाबाश. 49th एक्चुअली मैं ध्यान से देखो मानस लेवल 2 के कोई भी क्वेश्चन इन्होंने सीबीएसई वाला प्रीवियस ईयर नहीं, उसका रीजन है क्योंकि ये वाला जो प्लॉटिंग है ना मैं प्लॉटिंग अभी बताता हूँ ये हमने ऑलरेडी किया हुआ क्वाड्रेटिक का प्लॉटिंग करना ठीक है ना. बट ये वाला प्लॉटिंग स्कूल लेवल पे नहीं आता ठीक है ना. सिंपल वाला जो स्टैंडर्ड वाले अपने है ना जो लास्ट ईयर हमने कोनिक सेक्शन किए थे है ना सिर्फ वही वाले आएंगे तुम्हारे, आलतू फालतू कोई चीज नहीं आएगी. अब ये वाला क्वेश्चन देखो जरा क्या बोल रहा है. देखो कर्व है y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x. एरिया बाउंडेड बाय ठीक है ओके. बोला है कि इन व्हाट रेशियो x एक्सिस डिवाइड द एरिया ठीक है. तो देखो पहले सॉरी ये एक्स स्क्वायर है इसका पहले रूट्स निकाले इसको जीरो कर दिया वाई को तो क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू जीरो किया तो एक एक्स आ गया जीरो एक आ गया 4
जीरो वन टू थ्री फोर, ठीक। अब एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन नेगेटिव है तो अब क्या रहेगा, डाउनवर्ड, ये ऐसा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला, इसको जीरो पुट किया तो एक्स को में लेके एक्स माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू जीरो या वन, एंड ये ऐसा रहेगा, ठीक है। तो इस एरिया की बात हो रही है और हमें देखना कि ये जो एक्स एक्सिस है ये इस एरिया को किस रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि हमें अपर वाला निकालना है फिर लोअर वाला निकालना है। अब देखो वन पे क्लियरली ये ऊपर वाला एरिया डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर वाला एरिया निकालने के लिए हमें ये एरिया निकालना पड़ेगा, अपर वाला कर्व, राइट। अपर वाला कर्व क्या था, ये वाला, दैट इज 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन 0 से लेके 1। लेट्स से ये वाला पॉइंट है अल्फा, तो 1 से लेके अल्फा इसके बीच में अपर कर्व है ये वाला पैराबोला, दैट इज 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर कर्व क्या है, दूसरा वाला पैराबोला, तो ये दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx। आई होप क्लियर हुआ, ये एरिया आएगा अपर वाला, राइट, एक्स एक्सिस के अबव वाला, और एक्स एक्सिस के लोअर वाला एरिया क्या आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लगा सकता हूं, अब मेरे को मालूम है ये वाली कर्व जो है एक्स एक्सिस, दैट इज वाई इक्वल टू जीरो, एंड ये वाली कर्व क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, जीरो से लेके वन, जीरो से लेके वन, ये वाला बन गया। अब यहाँ पे अपर कर्व दैट इज जीरो माइनस लोअर कर्व दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन जीरो से लेके वन, डन, बात खत्म, ठीक है। अपर वाला लोअर वाला दोनों का रेशियो देख लो। अब ये पॉइंट निकालना है तो पॉइंट के लिए दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, दैट्स इट, ठीक है। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे एक तो जीरो आ ही जाएगा, तो जीरो को वैसे भी कट कर सकते, एक्स को एक कट कर दो जीरो हट जाएगा, तो दूसरा जो पॉइंट आएगा वो आ जाएगा, ठीक है ना। और बोलो, शाबाश, प्लॉट देखो, क्वाड्रेटिक को प्लॉट करने के लिए एक्स की क्वाड्रेटिक, ठीक है, वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसको प्लॉट करने के लिए तुम्हें मेन फंडा जो याद रखना है वो है कि ए इसका पॉजिटिव है या ए इसका, तो ए पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे इस क्वेश्चन में ए नेगेटिव, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन नेगेटिव है, इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन पॉजिटिव है, तो अब अगर पॉजिटिव है राइट तो ये बनेगा अपवर्ड और ये बनेगा नेगेटिव में डाउनवर्ड, मतलब ऐसा ये ऐसा, अगर पॉजिटिव है तो इस केस में बनेगा डाउनवर्ड, इस केस में बनेगा अपवर्ड। अब अगर मेरे को ऊपर से रूट पता चल जाए, रूट क्या होता है, जहां पर एक्स एक्सिस को टकराता है उसके लिए वाई जीरो होना चाहिए, तो इसको इक्वल टू जीरो किया राइट, तो एक्स कॉमन लिया, तो 4 माइनस एक्स इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू जीरो या x इक्वल टू 4, मेरे को ये पता चल गया x के रिस्क का नेगेटिव है यानी कि ये डाउनवर्ड है, ऊपर से x एक्सिस को कहां पे कट करके जाएगा, 0 पे एंड 4 पे, तो भैया अपना ग्राफ बन जाएगा, देख 1 2 3 4 यहां पे और ऐसे इसी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये सिमेट्रिक रहेगा राइट, तो ऐसे जाएगा, तो यहीं से मेरे को यह भी पता चल गया कि जो टर्निंग पॉइंट है वो x इक्वल टू 2 होगा, तो पहला वाला बन गया। दूसरे वाला x स्क्वायर का क्वेश्चन पॉजिटिव अपवर्ड रहेगा राइट, इसके रूट्स निकाले वो 0 एंड 1 आ गए, तो 0 एंड 1 से अपवर्ड, तो बीच में x इक्वल टू हाफ पे ये सिमेट्रिक रह के ऐसा जाएगा, टर्न करेगा, तो ये ऐसा ऊपर, ये ऐसा इधर, दैट्स इट, ये बन गया, ठीक है, पक्का, देख ले, प्रणव क्लियर है, अब बोलो, और शाबाश, और बोलो, डाउट आ रहा है अभी भी, चले ठीक है। अब मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके तुम्हें मेजरली करनी है प्लॉटिंग, एंड अपर माइनस लोअर का वो फॉर्म में लाना, इंटीग्रेशन चाहे ना करो लेकिन वो फॉर्म में लाना तुम्हें, समझ रहे ना बात, ठीक है, आ जाओ ऑनलाइन, आ जाओ,
प्लॉट करना, ठीक है, ध्यान से प्लॉट करना, ध्यान से प्लॉट करना। देखो फर्स्ट का प्लीज इधर, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, तो ये जाएगा इधर का, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई, ये जाएगा ऊपर का, राइट तो ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है ये लीफ बन रहा है, दैट्स ओके, बट साथ में उसने ये भी बनाने को बोला x इक्वल टू जीरो, व्हाट इज x इक्वल टू जीरो, y एक्सिस, x इक्वल टू फोर, दैट इज, अब देखो ये पॉइंट क्या रहा है, सबसे पहले तो ये ढूंढो 4,4, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, ठीक है, कैसे निकाला, देखो मैंने इधर से x y निकाला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई फोर, दैट इज इक्वल टू y, ठीक है, फोर नीचे ले गया, अब ये y की वैल्यू इधर डाल दी, तो y का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो x की पावर 4 बाय 16, दैट इज इक्वल टू 4x, ये इधर लेके गया, तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 64x माइनस इक्वल टू 0, तो x क्यूब कॉमन, x क्यूब माइनस 64, दैट इज इक्वल टू 0, तो या तो x 0 या तो x इक्वल टू, x क्यूब इक्वल टू 64, तो x इक्वल टू 4, तो 0 एंड 4, तो ये जा रहा है बेसिकली 4,4, x को 4 पुट किया, तो x 4 पुट करके 16 बाय 4, दैट इज 4, तो दिस पॉइंट इज 4,4, यानी कि यहीं से मेरी वर्टिकल लाइन x इक्वल टू 4 एंड हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू 4 पास करेगी, तो ये टोटल डायग्राम बना, ठीक है मैडम, ठीक है, इस तरीके से। नाउ एक्चुअल क्वेश्चन ये था कि हमें प्रूव करना था कि ये तीनों एरिया सेम, अब ये एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अपर कर्व, देखो एरिया A1, A2, A3, मान लो A1 निकालना है, A1 के लिए अपर कर्व क्या आएगा, ये y इक्वल टू 4, माइनस लोअर कर्व क्या आएगा, ये वाला, ये वाला कौन सा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका y क्या आएगा, रूट 4y, तो दिस इज y इज इक्वल टू रूट 4y, इसका y क्या आएगा, x स्क्वायर बाय 4, दिस इज y इक्वल टू x स्क्वायर बाय 4, इस टोटल का रूट आएगा ना y, सॉरी 4x, बिल्कुल ठीक है, अब एरिया A1 क्या आएगा, अपर कर्व y इक्वल टू 4 माइनस y इक्वल टू रूट 4x dx इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, 0 से लेके 4 तक, ये मेरे को देगा A1, ऐसे A2 क्या आएगा मेरा, अपर कर्व ये, दैट इज 4x का रूट माइनस लोअर कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर बाय 4 इंटीग्रेशन dx, कहां से कहां तक, अगेन 0 से लेके 4 तक, एंड लास्ट y x स्क्वायर बाय 4 माइनस लोअर कर्व, दैट इज दिस x एक्सिस, दैट इज y इक्वल टू 0 dx इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, 0 से लेके 4 तक, एंड वी आर डन, दिस इज A3, अब तीनों निकालोगे तीनों सेम आ जाएंगे, दिस वाज द एक्चुअल क्वेश्चन, बट डायग्राम क्लियर हुआ, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो डायग्राम क्लियर हुआ, ग्राफ, यस सर, अभिनव, अर्पित, अश्लीन क्लियर है, करण, करमन, मोहन, पवन, यस सर, यस सर, ठीक है ठीक है ठीक है, सेकंड करें, यहां से क्यूबिक है ऑब्वियसली, बाकी दोनों ठीक है ना, अच्छा अब देखो जरा सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, तो इक्वल टू करके ये आ जाएगा ये वाला सर्कल जिसका रेडियस क्या है 1, और ये क्या आएगा 1,0 सेंटर वाला सर्कल जिसका रेडियस क्या अगेन 1, तो यहां से ऐसे करके पास करेगा, ठीक है, तो अब दोनों के अंदर वाला एरिया है, तो एक्चुअली में ये वाला एरिया, दैट्स इट, ठीक है, अगेन इसका अपर वाला निकालेंगे और लोअर वाले के लिए उसका ट्वाइस कर देंगे, एंड अपर वाले के लिए भी हम क्या करेंगे, जीरो से लेके इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक्स इक्वल टू हाफ आ जाएगा, तो अपर ये वाला एरिया, अब ये वाला एरिया के लिए अपर कर्व क्या आ रहा है, ये वाला, लोअर कर्व तो विद एक्स एक्सिस ही है, तो अपर कर्व आ रहा है एक्चुअली में दूसरा वाला सर्कल, तो दैट इज ये वाला, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट लिया, ये आ गया, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेके हाफ तक, और इसी का 4 टाइम्स कर दो चलेगा, ठीक है, या फिर ट्वाइस, और किसका ऐड करना है, ये वाला, ये वाला का मतलब
इसका वाई, दैट इज वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट डीएक्स इंटीग्रेशन हाफ से लेके वन तक, क्लियर है? इसका तो ऐसा बात खत्म। हाँ जी ऑनलाइन क्लियर हुआ सेकंड वाला? थर्ड वाला ध्यान से देखना, वो मेरे को करने दो, थर्ड वाला वो इंपॉर्टेंट है और उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है? देखो जरा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि चारों ही सेम है तो किसी का भी करके पकड़ के कर दो बात खत्म, ठीक है? अब देखो थर्ड वाला प्लीज, यहां पे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किया ताकि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस ए स्क्वायर मिलके एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाए प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सर्कल क्या जा रहा है जिसका सेंटर क्या है, ए कोमा जीरो एंड ऐसा, ठीक है? रेडियस ए। सेकेंड वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एक्स। अब ये जो पैराबोला है, ठीक है, ये पैराबोला जाएगा ऐसे, अच्छा ऐसा, ये पैराबोला जाएगा ऐसा, ठीक है? अब ये वाला पॉइंट क्या आएगा, ये निकालने के लिए दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। तो पहली इक्वेशन क्या आ रही थी मेरी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो बिफोर कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एंड वाई स्क्वायर की वैल्यू ए एक्स इधर पुट कर दी, तो यहां पे क्या आ गया ए एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस टू एक्स, तो माइनस ए एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन एक्स माइनस ए दैट इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू जीरो या फिर एक्स की वैल्यू ए, तो जीरो ए, ठीक है? अच्छा तो ये पॉइंट जो आ रहा था ये ए आ रहा था। अब ध्यान से देखो, ये लेस देन इक्वल टू है तो ये यहां पे क्या आएगा तुम्हारा, लेस देन इक्वल टू मतलब सर्कल के अंदर वाला एरिया, और यहां पे पैराबोला का देखो जरा ये चीज। अब मैंने ये वाला पॉइंट लिया इसके लिए ए कॉमा जीरो, तो ये पॉइंट पुट करा के देखा तो जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर होता है क्या ना, यानी कि पैराबोला का अंदर वाला नहीं आएगा, पैराबोला के बाहर वाला, सर्कल के अंदर वाला पैराबोला के बाहर वाला, तो वो जाएगा ये वाला स्ट्रिप छोटी सी जिसके लिए अपर कर्व क्या है सर्कल। तो यहां से वाई क्या निकालोगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, और लोअर कर्व क्या आएगा पैराबोला, पैराबोला यहां से क्या निकलेगा रूट ए एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, जीरो से लेके ए तक, ये एरिया आएगा अपर वाला। अच्छा अब ध्यान से देखो, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब हमें सिर्फ ऊपर वाला निकालना है नीचे वाला नहीं, अगर ये दोनों कंडीशन ना होती तो हमारा ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों स्ट्रिप्स आती तो इसका ट्वाइस कर देते, क्लियर हुआ? तो ये थोड़ा गंदा बनता है, ठीक है? तो सर्कल बेसिकली सर्कल ऊपर आएगा पैराबोला ऊपर आएगा, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, तो सर्कल ऊपर आएगा पैराबोला नीचे आएगा, ठीक है? हाँ जी ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस यस ठीक।